हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। भाई बड़े दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ एंड सॉरी अबाउट दैट, थोड़ा बीच में बिजी हो गया था एंड देयर इज समथिंग केम अप, ठीक है। बट एनीवेज लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप जॉब्स फाइंड कर रहे हो कनाडा में विदाउट इवन हैविंग जीरो एक्सपीरियंस, जीरो प्रोजेक्ट्स, नो पोर्टफोलियो एट ऑल, और इवन आफ्टर हैविंग लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस और मोर एक्सपीरियंस, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, या किस किस तरह से आप जॉब्स के इंटरव्यू एटलीस्ट ले सकते हो, एंड देन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कम्युनिकेशन एंड हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ इन द इंटरव्यू, ठीक है। नो मैटर ऑफ एक्सपीरियंस या नो मैटर ऑफ लाइक कि भाई कितना है आपके पास और क्या कंपनी को चाहिए या क्या जॉब्स का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। बट एक बात मैं उससे पहले बताना चाहूँगा कि यार बहुत बंदे बताएं मेरे को मैसेज कर रहे हैं और आजकल टाइम नहीं मिल पाता है इंस्टाग्राम पे हर एक को रिप्लाई देने का, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा आप लोग के लिए फ्री सेशन लिंक रखा है 1-on-1, जिसमें 15 मिनट चैट ओवर द फोन, जूम कॉल और वॉट एवर, ठीक है। इसका कन्वीनियंस फॉर बोथ ऑफ अस, ठीक है, वो हम करेंगे। उसका आप अपॉइंटमेंट का लिंक बुक कर सकते हो और सबसे बड़ी बात है इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कोई भी आपको लिंक आता है जिसमें आपको पैसे की मांग हो रही है, नो नॉट एट ऑल, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, गो हेड एंड बुक दैट, ठीक है। एंड वी विल डू 1-on-1 विद वॉट एवर यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन और एनी काइंड ऑफ रिलेटेड क्वेरीज रिलेटेड टू कैनेडा, ठीक है, और अबाउट स्टूडेंट लाइफ। सो चलो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स डाइव डीप इन द वीडियो एंड शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को यहीं पे। तो भाई सबसे पहली बड़ी बात आती है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। व्हेन आई वाज ग्रेजुएटेड जस्ट विद अ 2 ईयर्स ऑफ डिप्लोमा आफ्टर 12, नो एक्सपीरियंस एट ऑल एंड नो पोर्टफोलियो एंड नथिंग टू पुट ऑन, ठीक है। सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए लोग चले जाते हैं टिम हॉर्टन्स या कहीं और काम करने एंड आइदर दे मूव हेड फॉर लाइक PR एंड whatever द केस इज, ठीक है। बट उस पर हम नहीं जाके हम ये मेन फोकस करते हैं कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, एटलीस्ट ट्राई अंटिल यू सक्सीड, है ना। ट्राई करने में अगर ट्राई हमारे हाथ में है तो हम क्यों ना करें। सबसे बड़ी चीज़ है फर्स्ट ऑफ ऑल इन योर लास्ट सेमेस्टर पुट ऑन योर रिज्यूमे एवरी थिंग वट एवर यू डिड, इधर वॉलंटियर और कुछ भी काम, मैकडोनल्ड्स, हाई स्ट्री, कहीं भी मतलब काम किया, पुट ऑन योर रिज्यूमे, ठीक है। रिज्यूमे को एटलीस्ट 1.5 से 2 पन्ने का खींचो, ठीक है, 2 पन्ने से ज़्यादा मत खींचना, एंड गेट 2-3 रेफरेंसेज बिफोर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम योर प्रोफेसर एंड ऑल, ठीक है। ये एक काम हो गया, देन गो अहेड एंड अप्लाई फॉर जॉब्स। अब इसका भी तरीका है, देखो जब हार्डवर्क ना काम करे तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हार्डवर्क इन द सेंस भाई अब हमारे पास एक्सपीरियंस सही है तो वी शुड डू स्मार्ट वर्क इन केस, ठीक है। तो सबसे पहली बात इंडीड, सबको पता है इंडीड पे जाओ, जॉब को सर्च करो, उस पर जॉब्स आती हैं, फिल्टर डाउन द जॉब्स। अब जैसे मेरे को IT की जॉब है, अगर मैं सपोर्ट की मेरे को जॉब करनी है, यूज़र सपोर्ट, एंड यूज़र सपोर्ट की, ठीक है, मैं एंड यूज़र सपोर्ट डालूंगा, फिल्टर करूंगा जॉब्स, लोकेशन फिल्टर करूंगा। अगर मैं एबसफोर्ड ब्रिटिश कोलंबिया में रहता हूँ तो उसके अगल बगल 6-7 से, ठीक है, वैंकूवर तक मैं खींचूंगा, ठीक है। उसके बाद समझो 50 या 100 जॉब्स आई, ठीक है। सबसे बड़ी बात है नाउ हाउ टू अप्लाई, नॉट आई विल प्रेफर और आई विल रिकमेंड अप्लाइंग डायरेक्टली टू जॉब्स फ्रॉम कंपनीज वेबसाइट। कंपनी ए है, कंपनी ए की जॉब खोली है, जॉब को देखो इंडीड पे, जाओ कंपनी की वेबसाइट पे, करियर पेज पे जाओ, करियर लिंक पेज पे जाओ, वहाँ जाके जॉब को अप्लाई करो। बिकॉज व्हेन यू अप्लाई थ्रू करियर पेज ऑफ द वेबसाइट, कंपनीज वेबसाइट, दे प्रेफर मोर देन ओवर अप्लाइंग फ्रॉम थर्ड पार्टीज और एक्सटर्नल वेबसाइट, ठीक है। इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि इट शोज दैट यू आर इंटरेस्टेड, यू आर एक्सप्लोर्ड देयर वेबसाइट इन फाइंडिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये HR को भी पता लग जाता है, इवन द मैनेजर नोज इट, क्योंकि HR मैनेजर के पास पहुंच जाती है लेके। इसके अलावा जो सबसे बड़ा रीज़न होता है बच्चों को ना जॉब मिलने का, बिकॉज दे नेवर पुट LinkedIn प्रोफाइल ऑन देयर रिज्यूमेस। ऑलवेज मेक योर LinkedIn प्रोफाइल नो मैटर वॉट, अगेन एक्सपीरियंस है नहीं है जो भी किया हुआ, एटलीस्ट जनरल प्रोफाइल का लिंक एक डालो कि एटलीस्ट दे कैन कनेक्ट यू ओवर LinkedIn और व्हाटएवर द केसेस, ठीक है। और LinkedIn से आप और भी HR या रिक्रूटर्स या इवन मैनेजर्स ऑफ द कंपनीज को आप रीच आउट कर सकते हो। सेकंड जो पॉइंट आता है उसका ये कि वंस यू गॉट द इंटरव्यू व्हाट थिंग्स टू प्रिपेयर। अब भाई हमें पता है इस जॉब में 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, स्टिल आई हैव अप्लाइड अ जॉब, ठीक है, विदाउट इवन हैविंग 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अगर मेरे को इंटरव्यू आता है, नाउ व्हाट थिंग्स टू रिमेंबर, if the company has given you a interview that means they are in need of a applicant or they need somebody to fill that vacant space, ठीक है।
तो इसमें सबसे बड़ी बात आपको ये समझने की लोड़ है कि ठीक है आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपको टेक्निकल स्किल्स नहीं आती, आपको के जॉब डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिक स्किल्स नहीं आती, इट्स ओके. नाउ इट्स योर टाइम टू प्रेजेंट योर सेल्फ एज क्लीन एज पॉसिबल और यू कैन से एज गुड एज पॉसिबल. ठीक है, आप उनको दिखाओ, मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स गुड, ड्रेस अप गुड, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. कोट पेंट पहन के जाओ, ठीक है, लाइक सूट पहन के जाओ फर्स्ट टाइम पे, एंड देन थोड़ा सा परफ्यूम लगा लो. अदर देन दैट हैव योर रेफरेंसेज रेडी. उसके अलावा अगर आपसे और ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स नहीं पूछ रहे, स्टिल एट द एंड यू शुड आस्क वन क्वेश्चन रिलेटेड टू जॉब, लेट्स से एंड यूजर सपोर्ट या BBA या मार्केटिंग फाइनेंस, व्हाटसोएवर द केस और व्हाटसोएवर द जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब इज. ठीक है, आप उनसे जाके पूछें, एक्सप्लोर करके जाओ गूगल पे, इतने सारे पेजेस पड़े हैं. जब हम भाई असाइनमेंट्स बनाते हैं शेक कोर्स हीरो एंड वट एवर वेबसाइट पर जाके हम कॉपी पेस्ट करते हैं, वहाँ जाओ, वहाँ से थोड़े से क्वेश्चन उठा लो. ठीक है, कि एक दो पूछने के लिए कि भाई क्या स्टैट्स इस जॉब में मेंटेन करने होते हैं, या हाउ आर बिजी डे लुक्स लाइक, एंड वॉट अबाउट द कंपनी, कब ग्रो करी, वॉट आर द कंपनीज फ्यूचर गोल्स. अगर वो आपसे पूछते हैं आपके 5 साल के, आप उनसे भी पूछोगे वॉट वी आर ट्राइंग टू अचीव लाइक इन दिस जॉब और वाई यू नीड टू फिल दिस स्पेस काइंड ऑफ थिंग. अब बहुत बंदे ये कहेंगे भाई नहीं हमें तो जॉब चाहिए, हम फालतू के क्वेश्चन नहीं करेंगे. नो, इट्स गुड टू इंटरेक्ट विद. अगर वन साइड इंटरेक्शन कभी भी जॉब में हो रही है, दैट मीन्स दैट इज नॉट गोइंग रियली वेल. ऑलवेज इंटरेक्शन शुड बी टू. ठीक है, मतलब बोथ वेज. अगर वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे तो आप भी उनसे पूछो. अदर देन दैट मैं आपको एक और सजेशन दूंगा कि जो अपना रेज्यूमे है उसको टेलर करो, हर जॉब के हिसाब से अपना रिज्यूमे चेंज करो. ये सबसे बड़ी गलती होती है स्टूडेंट्स करते हैं, उनको नहीं पता होता गलती भी क्या करते हैं, मैंने भी बहुत की है. बट यस, टेलर डाउन योर रिज्यूमे. अब जॉब वन है और जॉब टू है, दोनों जॉब यूजर सपोर्ट टेक्नीशियन या यूजर एंड यूजर सपोर्ट या वॉट एवर द जॉब है. ठीक है, बट उसमें कुछ एज पर कंपनी डायरेक्टेड उसमें जो जनरल या कह सकते हो ऑफ जॉब ड्यूटीज़ हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं. तो उसको ध्यान में रखे, थोड़ी सी उस पर भी रिसर्च करो. अगर उस पर लिखा नीड अ ड्राइवर्स लाइसेंस तो अपने रिज्यूमे भी लिखो, वेस आई डू हैव अ ड्राइवर लाइसेंस काइंड ऑफ थिंग. और लेट्स से इफ दे आर आस्किंग अबाउट मल्टी टास्किंग और सम काइंड ऑफ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यू नो अबाउट इट, ठीक है, गूगल पर सर्च करो, यूट्यूब पर एक दो उसकी वीडियोज़ देखो, एंड देन पुट दैट सॉफ्टवेयर दैट आई नो the software name and put on your resume that yes I know this software and how to use that kind of thing. ठीक है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, other than that यार वही है कि लोग कहेंगे आप जाके और वेबसाइट से अप्लाई करो. एंड यस, अगर आपको HR recruiter जो HR की इंटरव्यू होता है सबसे पहले वाला, अगर उसमें वो आपसे टेक्निकल स्किल्स पूछ रही है, इवन let's say if I'm HR and I called you, I don't know about anything about let's say business or finance, still I'm asking you finance questions, that means कि आपको सही से जवाब देना है. आपको ये नहीं कहना कि ओके ये बहुत बंदे ये सोच रहते हैं कि HR को क्या पता होगा, let's see कि मैं कुछ भी कह देता हूँ and then I'll prepare later for the technical round of interview like the which is the second round, but no, because that interview might be recorded और अगर नहीं भी record हो रहा still once the HR takes the interview, she goes to the manager and tells everything. So even if you don't have skills, even if you are not meeting criteria, if you are a good person, good communicator, good presenter, still they can hire you. ठीक है, क्योंकि अगर आप बंदे अच्छे हो तब मैं आपसे काम करा सकता हूँ, then I can train you as well. But अगर आप बंदे ही अच्छे नहीं हो या general skills, manners या जो भी कह लो अगर वो आप में नहीं है और technical skills high भी हैं, तो अगर if I am hire you, maybe after a week or maybe after 6 months, whatsoever the case is, आप जा भी सकते हो और हम आपको हटा भी सकते हैं, क्योंकि soft skills in Canada matters a lot over technical or job skills. ठीक है, सो यही थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने सोचा कि आपके साथ एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करूँ. अगर अच्छी लगी हो तो दूसरों बंदों के साथ भी शेयर करो इस वीडियो को, और बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है जिसको भी 1-on-1 चैट करनी है. आप लिंक्डइन पे भी मेरे साथ ऐड हो सकते हो. ठीक है, नीरज सलूजा या नीरज कुमार के नाम से यूजर नेम है, वहाँ पे आप जाकर सर्च करो. आई विल बी हैप्पी टू कनेक्ट एंड शेयर मोर टिप्स एंड ट्रिक्स व्हाटएवर आई एम लर्निंग एज वेल. ठीक है, इन द फेस. बाकी चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हैव अ गुड डे. स्टे सेफ.